हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बता देने जा रही हूँ एडवांस लेयर कट कैसे करते हैं। तो ये रहा हमारा क्लाइंट और इनके बालों की आप लेंथ देख रहे हो, डेंसिटी भी बहुत अच्छी है, बालों में काफ़ी अच्छा सा बाउंस भी है, बाल कर्ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कट करना। मैं आज आपको बताती हूँ कि एडवांस लेयर कट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने बालों को वेट कर लिया है, बहुत अच्छे से बालों को वेट कर लेंगे। अगर शैम्पू किया हुआ है क्लाइंट ने तो सिर्फ बालों को वेट करके कर लेंगे, अदरवाइज़ हम बालों पे शैम्पू करने के बाद ही कट करेंगे। बालों में किसी भी तरह का ऑयल ना हो, बाल अच्छे से क्लीन हो, और इसीलिए। लेकिन क्लाइंट बालों को अपना वॉश करके आए थे तो मैं बस बालों को बहुत अच्छे से वेट कर लिया। और आप देख सकते हो कि मैंने बालों का सबसे पहले फ्रंट के ईयर टू ईयर सेक्शन लेके वहाँ बालों को पिन अप कर दिया है। और बैक से मैंने बालों को थ्री सेक्शन किया है, आप देख रहे हो थ्री सेक्शन किया है। और ये मैंने ये देख लीजिए। और बालों में जब भी आप कट करें तो आपकी पार्टिंग या सेक्शनिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी आपका हेयर कट बहुत अच्छा दिखेगा और बहुत अच्छे से होगा। तो ये देखिए, और मैं स्टाफ की हेल्प से हेयर कट कर रही हूँ बिकॉज़ इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है प्रोसेस। और ये देखिए, और पूरा कट 90 डिग्री पे करूँगी। नीचे का लेंथ जो है, आप हमेशा अपने क्लाइंट से पूछ लें उनको कितना लेंथ कट कराना है। मैंने पूछ लिया था, तभी भी मैं एक बार दिखा दूँगी उनको कट करने का कि मैं कितना बालों को कट कर रहे हूँ। उनको काफ़ी बाल शॉर्ट चाहिए था, तो ये देखिए मैंने उनको लेंथ दिखा दी है कि आपको कितना चाहिए और इतना आपका बाल आएगा। लेंथ उनको बताकर ही कट करिए हमेशा आप, ये क्योंकि हमेशा क्लाइंट्स का कहना होता है कि सलोन वाले या पार्लर वाले हमसे पूछते नहीं हैं और हेयर कट कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हमेशा लेंथ पूछ के ही कट करते हैं। तो ये देखिए, और 90 डिग्री पे ला के, तो 90 डिग्री पे लाकर और वर्टिकली कट किया है मैंने, आप देख रहे हो। और आपकी ग्रिपिंग फिंगर की नीचे की ओर होनी चाहिए ताकि आपकी फिंगर्स नीचे हों और कट अच्छे से हो। और ये देखिए, मैं हमेशा क्लियर कर देती हूँ लेंथ बिकॉज़ इनके बाल कर्ली थे। और कर्ली बाल, आप एक बात याद रखिए, कर्ली बाल हमेशा चढ़ जाता है, मतलब शॉर्ट हो जाता है जब भी आप कट करते हो। क्या होता है, जब बाल वेट होते हैं तो बालों की लेंथ दिखती है, बट बाल सूखा होने के बाद, ड्राई होने के बाद वो ऊपर थोड़ा सा चढ़ जाता है। इसलिए हमेशा कट पे ध्यान रखिए, क्लाइंट जितना कहे उससे एक इंच आप पे एक्स्ट्रा लेके ही चलें कर्ली बालों के लिए। तो ये याद रखें कि हमेशा कर्ली बालों पे एक इंच एक्स्ट्रा ही लेके चलें। और ये देखिए, जो नीचे वाले बालों की हमारी गाइडलाइन बन गई है। और अब पूरा कट हमें बहुत छोटे छोटे सेक्शन लेके, जितना आप छोटा सेक्शन लेंगे हमारा हेयर कट उतना ही अच्छा होगा। और जितना सेक्शनिंग आपकी क्लियर होगी, क्लियरिटी से आप कट करोगे, उतना ही कट बहुत अच्छा होगा। और आप देख रहे हो पूरी गाइडलाइन हमारी नीचे वाले बालों से हम लेते जाएंगे और उसी गाइडलाइन पे हम पूरा कट कर देंगे 90 डिग्री पे लाकर। और यहाँ मैंने बालों को, आप देख रहे हो मैंने 5 सेक्शन किए हैं, फ्रंट में 2 और बैक में 3। तो ये 3 जो बैक का है उसका बीच का भी मैं कट कर रही हूँ, बीच के पार्ट को लेके। और ये सबसे आसान तरीका है एडवांस लेयर कट का, या बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। मैं बताने को तो बहुत से तरीके से बता सकती हूँ, इस कट को बहुत तरह से कर सकते हैं, बट मैंने अभी आपके लिए बहुत सिंपल वे में बताया है। आपको 5 सेक्शन करने हैं, नीचे के पार्ट का सबसे पहले 1 लेंथ कट कर लेना है, 1 लेंथ कट में ही हमारी गाइडलाइन आ जाएगी। और उसी गाइडलाइन को लेके हमें पूरा कट 90 डिग्री पे करना है। और ये देखिए कितने अच्छे से सेक्शनिंग करके बालों को बार बार कॉम करिए। और क्लाइंट का सर हिलने बिल्कुल भी मत दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट रखें उनका सर। आप बार बार उनसे बोलते रहें बिकॉज़ क्लाइंट को नहीं पता होता है कि उनको सर कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है। तो आप बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए उनका सर, जिससे कट बहुत अच्छा। और आप देख सकते हो नीचे कितनी अच्छी लेयर्स हमारी बनती जा रही हैं।
और जितना ऊपर का ऊपर बाउंस चाहिए, जितनी ऊपर की लेयर कट करनी है आप उस हिसाब से करते जाएं। और बार बार बालों को चेक जरूर करें, कहीं बाल ऊपर नीचे तो नहीं है, तो नीचे से बालों की गाइडलाइन लेते हुए बार बार बालों को चेक करें। और तो अभी आप देख सकते हो कट कितना इजी हो गया है, बस गाइडलाइन आपकी नीचे से मिलती जा रही है नीचे के बालों को लेते हुए, और थोड़ा सा सेक्शन ऊपर को लेते हुए ऊपर के बालों को नीचे बालों को सेक्शन लेते हुए हमें गाइडलाइन मिल जाती बहुत इजीली, और आराम से आप कट कर सकते हो और लेयर्स बनती चली जाएंगी। ऊपर की लेयर आपको ज़्यादा रखनी है तो आप थोड़ा सा डायगनल कट भी कर सकते हो, थोड़ा सा कट को डायगनल वे में भी ले जा सकते हो, बट अभी मैं स्ट्रेट कर रही हूँ बिकॉज बाल कर ली हैं। तो ये देखिए, और बहुत आसानी से बहुत ईजी वे में आप पूरा कट कर सकते। और आप देख सकते हो बैक के बॉक्स सेक्शन का पूरा हेयर कट हो गया है, और अभी मैंने सारे बालों को 180 डिग्री पे ले जाकर, और ये देखिए जो बाल हमारे छूट रहे हैं उनको छोड़ देंगे और जो बच रहे हैं उनको स्ट्रेट कट कर देंगे जिससे पूरे बाल एक जैसे हो जाएं। तो ये देखिए, और कितनी अच्छी सी लेयर आ गई है आप देख रहे हो। तो ये हमारा बैक बॉक्स सेक्शन है, आप हर तरह से बालों को 180 डिग्री पे 90 डिग्री पे चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सारे बालों को लेके नोचिंग बालों की, और इससे क्लेयर्स बहुत अच्छे से विजिबल होती है, बहुत अच्छे से दिखती हैं। तो ये हमारा बैक का बॉक्स सेक्शन का पूरा कट हो गया है, और क्योंकि बाल कर लिए हैं तो मैंने इनको रोल अप करके ऐसे पिन लगा के, आप थोड़ी देर छोड़ दोगे तो बाल बहुत अच्छे से कट हो जाएंगे। और रोल करने से पहले मैंने बालों का नीचे का सेक्शन ले लिया है जो हमारी नेक्स्ट बालों के लिए गाइडलाइन बन जाएगी। तो अभी अभी आप देख सकते हो कि ये मैं साइड का कट कर रही हूँ, और बहुत आसान वे में, क्योंकि गाइडलाइन हमारी बनी हुई है और आपको पूरा 90 डिग्री पे लाके खड़े होके कट करना है। तो आप क्लाइंट को मूव करने से अच्छा है खुद ही आ जाएं मूव करके थोड़ा सा साइड के बालों को लेके, और ये देखिए, और बहुत अच्छे से मैं कट कर रही हूँ एक एक बालों को लेके। बहुत छोटे छोटे सेक्शन लिए, जितना आप छोटा सेक्शन लोगे उतने ही बालों में कट बहुत अच्छा होगा। और मैं बार बार आप देख रहे हो मैं क्लाइंट का हेड बिल्कुल सीधा रखने को बोल रही हूँ। और ये देखिए, हमारे साइड का भी कट हो गया है बहुत अच्छे से। तो अभी मैंने सारे बालों को चेक कर लिया है, सारे ही बाल स्ट्रेट हो गए हैं। तो आप देख रहे हो कि बाउंस कितना अच्छा सा कट आ रहा है, और इसी तरह से हम उस साइड के बालों को भी कट कर लेंगे। और अभी मैं कट करने जा रही हूँ फ्रंट का कट। तो अभी आप देख रहे हो मैंने फ्रंट के बालों को लिया है, और वो मुझसे बहुत छोटा करने के लिए बोल रहे थे बालों को, बट मैंने उनके अकॉर्डिंग हेयर कट नहीं किया है बिकॉज बाल है कर्ली और वो चढ़ जाएगा। तो मैंने इनके चिन एरिया तक का बाल को लिया है, और ये हमारा गाइडलाइन हो गया है। और अभी हम साइड के बालों के जो हमारा फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन था उनको ले लिया है, और उनको बस मैं लेयर्स कर दूंगी, आगे से लेयर कट कर रही हूँ क्योंकि उन्हें लेयर ही चाहिए था। उन्होंने फ़ोटो दिखाई थी कि मुझे फ्रंट लुक ऐसा चाहिए, तो मैंने फिर फ्रंट से लेयर कट किया है। और अभी हम फ्रंट के बालों का जो बॉक्स सेक्शन होता है हमारे क्राउन एरिया पे जो बॉक्स सेक्शन बनता है, तो उन बालों को लेंगे, और जो हमारी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे बालों को कट कर दिया है। तो ये मैंने क्राउन एरिया पे बॉक्स सेक्शन लेके और बालों को कट कर दिया है, और फिर साइड के बालों को भी उसी गाइडलाइन को लेते हुए मैंने सारे बालों को कट कर दिया है। और मुझे याद ही नहीं था कि कैमरा बैक में रखा हुआ है, मेरे पीछे रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। देखिए सेक्शनिंग कितनी
इतनी अच्छी से क्लियर हुई है। तो ये मैं पूरे फ्रंट में ईयर टू ईयर सेक्शन लेके और फ्रंट कट कर रही हूँ, और बॉक्स सेक्शन क्राउन एरिया का लेके मैंने कट कर दिया है। तो आप देख रहे हो हम एक एक बालों का ही देखकर ही कट करते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कट होता है कि कहीं से भी बाल उठा लेंगे, नहीं। हमें क्राउन एरिया और ये सब डिटेल में पता होना चाहिए कि कहाँ हमारा क्राउन एरिया होता है, कहाँ हम बॉक्स सेक्शन बनाते हैं, तो थोड़ा सा नॉलेज तो होनी चाहिए कट में। और ये देखिए, और ये मैंने आगे से बालों को पूरा लेयर कट कर दिया है, लेयर्स किए हैं, बहुत कम चाहिए था उनको फ्रंट पे, ज़्यादा बालों का कट नहीं चाहिए था। तो ये देखिए, वो कह रहे थे कि टक हो जाए मेरे बाल, और इसी तरह का उनको चाहिए था, मैंने दिखा दिया था कि, और ये देखिए बहुत हैप्पी थी ये कि हाँ मुझे ऐसा ही कट चाहिए। और ये हमारा प्रॉपर कट हो चुका है, बैक से मैं इन्हें यू शेप दे रही हूँ, और ये देखिए यू शेप दे दिया है, और फ्रंट का भी कट हो चुका है, और देख सकते हो आप क्राउन एरिया पे कितना अच्छा बाउंस आया है बालों में, और बाल भी बाउंसी दिख रहे हैं। अगर आपको एडवांस लेयर कट में ब्लो ड्रायर सेटिंग देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। फ़िलहाल अभी मैं ब्लो ड्रायर सेटिंग नहीं कर रही हूँ, और अगर बालों को आपको बिना ब्लो ड्रायर सेटिंग के बालों को कट दिखाना है और अच्छा दिखाना है, तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हम लोग सलॉन्स में कैसे कर बालों को अच्छा सा कट दिखाते हैं बिना ब्लो ड्रायर सेटिंग के। तो ये देखिए, मैं बड़े कॉम से कॉम कर रही हूँ, और फ्रंट एरिया मैंने अभी टक करवा दिया है, और ये बैक का जो मैंने कट किया है, इन सारे बालों को हम 180 डिग्री पर ले जाएंगे बहुत अच्छे से कॉम करते हुए, एक भी टैंगल नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने सारे बालों को 180 डिग्री पर ले गई हूँ, और ये बहुत अच्छा तरीका है। बहुत जल्दी में आपको कट दिखाना है, आपके पास टाइम या क्लाइंट के पास टाइम नहीं है ब्लो ड्रायर सेटिंग कराने का, तो आप इस तरीके से इस वे में भी कट को बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। ये देखिए, और क्राउन एरिया पे मैं सारे बालों को ले जाकर वहाँ पे फ्लावर बनाया है, और यहाँ मैंने हॉट ड्रायर करा है, और 2-3 बार इस प्रोसेस को हमें करना है, सारे बालों को ऊपर ले जाकर और हॉट ड्रायर करना है, और इससे बहुत अच्छा कट आता है। और इस तरह प्रोसेस मैंने 2-3 बार कर दिया है, और आप अंदर से बालों को टक कर देंगे, ये देखिए इस तरह से बालों को अंदर की ओर टक कर देंगे और हॉट ड्रायर करके, और ये देखिए, और थोड़ी देर बालों को वैसे ही उसी पोजीशन पे हम रोक लेंगे, और ये देखिए, और थोड़ी देर आप ऐसे ही बालों को रखिए, और उसके बाद बालों का ब्लो ड्रायर जैसा ही लुक आ जाता है। और यहाँ देखिए, मैंने स्टाफ से उन्हीं बालों को थोड़ी देर के पकड़ कर रखने के लिए बोला है, और अभी मैं फ्रंट के बालों को सेट कर रही हूँ। तो फ्रंट के बालों में लेयर्स दिखाने के लिए मैंने जल्दी से बालों पे प्रेसिंग कर दिया है, और ये फ्रंट के बालों को देखिए प्रेस करते हुए अंदर की ओर मोड़ेंगे, जिससे फ्रंट का लुक भी अच्छा सा दिखे। और फाइनली हमारा हेयर कट हो चुका है, ये देखिए, और जो हमारी हेयर कट शीट थी वो निकाल दी है, और ये देखिए,
बहुत ज़्यादा अच्छा कट हुआ था, बहुत अच्छा सा बाउंस आया था। और मैं ये हम उनको मिरर में दिखा रहे हैं उनका कट, और ये देखिए आप बालों का कट। तो अभी मैं पिक दिखा दूंगी बिफोर एंड आफ्टर, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि बाल इनका पहले कैसे था और अभी देखिए बालों का ये लुक आया है। तो वो बहुत हैप्पी हैं, ये देखिए।